नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 10 पेडागॉजिकल क्वेश्चंस के एपिसोड नंबर 5 मेंटर स्टैटिस्टिक्स पे। ऐसी ही वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में ही अगर आपने पिछली 4 वीडियोस नहीं देखी है तो उसके लिए आप जा सकते हैं वीडियो की प्लेलिस्ट में, जहाँ से आपको मिलेंगी सारे एपिसोड्स की अपडेट। चलते हैं आज के प्रश्न उत्तर पर। आज का जो सेशन है वो केवल इंग्लिश में होगा, मतलब इंग्लिश में ही प्रश्न होंगे, मैं उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करूंगा। साथ में आप आंसर कीजिए और देखिए आपका कितना स्कोर बनता है, और अगर आपके विचार और हमारे विचार मिलते हैं समान तो ऐसे केस में आपकी प्रैक्टिस हो रही है सही दिशा में। चलिए पहला प्रश्न उठाते हैं। पहला प्रश्न है, लिंग्विस्टिक इज, यानी कि भाषा विज्ञान क्या है, ऑरिजिन ऑफ द लैंग्वेज, रिलेशनशिप अमंग लैंग्वेज, हाउ लैंग्वेज चेंजेस ओवर टाइम एंड ऑल ऑफ दिस, यानी कि भाषा का उद्गम है या फिर अन्य भाषाओं के बीच संबंध है या फिर भाषा कैसे बदलती है, ये है या सभी है। यहाँ पे बात है भाषा विज्ञान की, तो भाषा विज्ञान इस हिसाब से यहाँ पे जो सीधा सीधा आंसर है, यहाँ पे भाषा नहीं है, यहाँ पे भाषा विज्ञान के बारे में बताया जा रहा है। तो भाषा विज्ञान जो है वो एक बहुत ही बड़ा स्कोप है, तो यहाँ पर भाषा जो है यहाँ पे 0.4 यानी कि ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड, फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या कहलाती है, मैच्योरेशन, रेडीनेस, हेरिडिटी या मोबिलिटी। हेरिडिटी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हेरिडिटी केवल फिजिकल ग्रोथ पे, और भी काफी सारी चीजें हैं डेवलपमेंट पे भी होता है, लेकिन हेरिडिटी जो है वो नैरो कॉन्सेप्ट है व्हेन इट कम्स टू फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि हेरिडिटी केवल इसका एक कॉम्पोनेंट है। रेडीनेस भी नहीं हो सकता, मैच्योरेशन और मोबिलिटी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट इसका सीधा सीधा आंसर मैच्योरेशन हो जाएगा। एनवायरमेंट फैक्टर्स दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड, यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर जो कि हमारा विकास करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कल्चर, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, क्वालिटी ऑफ लर्निंग या फिर ऑल ऑफ दीज, यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर जो इन सभी चीज़ों का काम करते हैं, उसके अंदर कल्चर भी एनवायरमेंटल फैक्टर है, क्वालिटी ऑफ लर्निंग भी एनवायरमेंटल फैक्टर है, और क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन भी एनवायरमेंटल फैक्टर है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें हर डेवलपमेंट में सपोर्ट करती हैं। कल्चर जैसा होगा वैसा ही बच्चे सीखते हैं, न्यूट्रिशन जैसा होगा वैसा ही डेवलपमेंट होगा, वैसी ही ग्रोथ होगी, जैसी लर्निंग होगी उसी तरह का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा जो कि फर्दर सपोर्ट करेगा फाइनल लर्निंग में। तो ऐसे केस में ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाता है। मोटिवेशन शुड बी फॉलोड बाय, मोटिवेशन किसके बाद आना चाहिए, रिवॉर्ड के बाद मोटिवेशन आएगा, इंसेंटिव के बाद मोटिवेशन आएगा, पनिशमेंट के बाद आएगा या रिजल्ट के नॉलेज के बाद आएगा। तो पनिशमेंट तो पहले कैंसिल हो गया, रिवॉर्ड अगर पहले ही दे दिया तो मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं, यानी कि रिवॉर्ड का, मोटिवेशन का रिवॉर्ड के बाद आने का कोई मतलब नहीं है। नॉलेज ऑफ रिजल्ट ये खुद एक मोटिवेशन है। तो यहाँ इंसेंटिव की अगर हम बात करें तो अगर हम इंसेंटिव, यहाँ पे कन्फ्यूजन थर्ड और सेकंड पे होगा, यहाँ पे नॉलेज ऑफ रिजल्ट और इंसेंटिव में अगर हम देखें तो इंसेंटिव इसका सबसे ज़्यादा सुटेबल, इन दोनों में से सुटेबल आंसर जो है वो इंसेंटिव होगा। पहले इंसेंटिव दिया फिर बाद में मोटिवेट किया, मतलब यहाँ पे ये बताया गया कि अगर इस काम को करेंगे तो ये इंसेंटिव मिलेगा। तो इस तरीके से मोटिवेशन मिलता है बाद में इंसेंटिव, पहले इंसेंटिव डिक्लेयर किया फिर बाद में मोटिवेशन दिया, तो इससे काम जो है ज़्यादा बेहतरीन होता है। तो उसका सीधा सीधा आंसर पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा। What should be the criteria to select a class monitor? Class monitor को select करने का क्या तरीका होना चाहिए? तो यहाँ पे academic performance, यानी कि बच्चा पढ़ने में होशियार है, physical makeup, मतलब दिखने में या शरीर से थोड़ा भारी भरकम सही है, choice of student, बच्चों की पसंद, या फिर preference of teacher, या teacher की preference। तो ऐसे केस में इसका बहुत ही simple और सीधा answer 3 होगा, यानी कि बच्चों की पसंद, जो democratic environment के अंदर जिन जो बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है ऐसे केस में आप voting कर सकते हैं। तो ऐसे केस में जो तीसरा है वो सही आंसर हो जाता है। अ टीचर डिराइव्स अटमोस्ट सेटिस्फेक्शन फ्रॉम पॉपुलैरिटी विद पीपल अराउंड, यानी कि एक अच्छा जो टीचर है उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन किस चीज़ से मिलता है, पॉपुलैरिटी विद पीपल अराउंड, मतलब लोग जो आसपास हैं उनके बीच उनको मशहूर हो जाता है, या फिर हाई स्टेटस, उसका स्टेटस हाई हो जाता है, या फिर उसको फाइनेंशियल गेन यानी कि बहुत सारा पैसा कमाता है, या फिर रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज यानी कि आदर और प्रतिष्ठा, ये उसके लिए इससे उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो इन चारों में अगर हम देखें तो हाई स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस का मतलब कोई लेन देना नहीं है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन पॉपुलैरिटी और रिस्पेक्ट में हो सकती है, लेकिन जब हम इन दोनों को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा सही आंसर हमारा पॉइंट नंबर 4 रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज हो जाता है, क्योंकि एक किसी भी टीचर के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है उसका सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा। तो चौथा इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न,
टू प्रिवेंट योर स्टूडेंट फ्रॉम बाइंग सब स्टैंडर्ड फूड आइटम्स फ्रॉम द स्कूल गेट। आपके स्कूल के गेट के बाहर कुछ फेरी वाले हैं जो कि मतलब जंक फूड्स वगैरह ये सारी चीज़ें बेचते हैं, तो आप क्या करेंगे? लोगों बच्चों को बचाना, बच्चों को वो चीज़ ना खरीदें, उसके लिए आप क्या करेंगे? टर्न अवे द हॉकर्स फ्रॉम द स्कूल गेट। आप स्कूल के गेट से उन हॉकर्स को भगा देंगे। आज द स्टूडेंट नॉट टू गो आउटसाइड, बच्चों को बाहर जाने के लिए ही नहीं कहेंगे। इन्फॉर्म द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को सूचित करेंगे, या फिर असेंबली के अंदर अनाउंस इन द असेंबली दैट स्टूडेंट शुड अवॉइड सच फूड आइटम्स, या फिर आप असेंबली में अनाउंस करेंगे कि ऐसे खाने से हमें बचना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको लगेगा कि हॉकर्स को भगा दो, तो लेकिन ये सही नहीं है। आपको ये आप इसकी इजाज़त आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें इसकी, प्रश्न ये रहा यस आस्क स्टूडेंट नॉट टू गो आउटसाइड, ये भी ठीक नहीं है। ये बच्चों को मोटिवेट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो फोर्थ है सबसे अप्रोप्रिएट लगता है कि असेंबली के अंदर बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो ऐसे ऐसी सामान ना खरीदें। प्रश्न नंबर 118, व्हेन अ फ्यू स्टूडेंट ऑफन डिस्टर्ब द डिसिप्लिन ऑफ द क्लास यू वुड, अगर आपने देखा कि आपकी क्लास के कुछ बच्चे डिसिप्लिन बिगाड़ रहे हैं, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? एक्सपेल अ फ्यू स्टूडेंट टू थ्रेटन देम, कुछ बच्चों को बाहर निकाल देंगे जिससे बाकी बच्चे डर जाएं और काम करें। रिपोर्ट स्ट्रांगली टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को आप रिपोर्ट करेंगे। वर्क टुवर्ड्स हैविंग बेटर म्यूचुअल रिलेशन विद स्टूडेंट, या फिर बच्चों के साथ एक अच्छा संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। सेवनली पनिश दो स्टूडेंट, या फिर उन स्टूडेंट को आप पनिश करेंगे। तो इसमें तो सबसे सही आंसर है वो पॉइंट नंबर 3 हो जाता है, क्योंकि एक जो अच्छा टीचर है या एक आइडियल टीचर है वो बच्चों के साथ अच्छे रिलेशन बनाता है और इस तरीके से उसके साथ व्यवहार रखता है कि बच्चा कक्षा के अंदर किसी भी तरह का कोई नेगेटिव कदम या फिर इनडिसिप्लिन का काम नहीं करता। अब देखिए अगला प्रश्न, अ टीचर कैन बिकम अ फेवरेट अमंग स्टूडेंट बाई, एक टीचर जो है बच्चों के लिए फेवरेट कब हो सकता है? हेल्पिंग देम कंप्लीट देयर होमवर्क, जब वह बच्चों का होमवर्क करने में हेल्प करे, उनको स्टोरीज या चुटकुले सुनाएं, कंप्लीटिंग देयर सिलेबस क्विकली, उनका सिलेबस जल्दी से कंप्लीट कर दें, या फिर बिहेविंग विद देम इन अ सिंपैथेटिक मैनर, या फिर बच्चों के साथ सिंपैथेटिक मैनर में बिहेव करें। तो उसका सीधा सीधा आंसर 4 हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे अगर सेम स्टेटमेंट होती बिहेविंग विद देम इन अ एम्पैथेटिक मैनर, अगर एम्पैथेटिक मैनर यहाँ पे लिखा होता और सिंपैथेटिक भी लिखा होता, तो ऐसे केस में एम्पैथेटिक वाला पॉइंट ज्यादा सही होता। आज के लिए आखिरी प्रश्न, एज ए टीचर यू वुड प्रेफर टू बिहेव इन अ मैनर इन विच, मतलब आप किस तरह का मैनेजमेंट स्टाइल अपनाना चाहेंगे? डेमोक्रेटिक, फ्री फॉर ऑल, ऑटोक्रेटिक एज पर सिचुएशन परमिट, लोकतांत्रिक करेंगे या फिर ऑटोक्रेटिक निरंकुश करेंगे, या फिर सबके लिए स्वतंत्र, या फिर जैसी सिचुएशन, मतलब कभी लोकतांत्रिक भी कभी निरंकुश भी, कैसा करेंगे? तो इसमें इसका सीधा सीधा आंसर डेमोक्रेटिक हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली कंस्ट्रक्टिव मैनेजमेंट स्टाइल है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मैनेजमेंट स्टाइल के ऊपर एक वीडियो जल्दी ही आने वाली है, तो उसकी अपडेट लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दें, क्योंकि इसी से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।